वेलकम टू देसी किचन स्पेशल। आज हम बनाएंगे चावल के आटे का फरा, जिसको हम गोजा पिट्ठा भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए हम मसूर का दाल लेंगे, जो रात भर भिगो के रखे थे, और इसको बारीक मिक्सर की जार में पीस लेंगे दो बार में करके। जब हमारा दाल पीस जाए तो इसमें हम बारीक लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट मिला लेंगे और स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और गरम मसाला, इन सबको हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और थोड़ा सा स्वाद के लिए हींग डालेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी वीडियो हमारे आगे भी देखते रहें। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इसमें गार्निश करने के लिए दाल में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डालेंगे और इससे स्वाद भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा हो जाता है, ये हरा हरा दिखता है। अब हमारा दाल एकदम तैयार है और अब हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए हम चावल का आटा 2 कप लिए हैं और थोड़ा सा नमक डाले हैं और इसको गर्म पानी से हम आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी करके हम आटा लगा लेंगे। पानी हमारा गर्म है इसीलिए चम्मच से चला रही हूँ मैं, और एक साइड कढ़ाई में गर्म होने के लिए पानी रख देंगे। और अब हमारा आटा तैयार है और हमारा पानी उबल रहा है। हम आटे की छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे और इसको हाथ से अच्छी तरीके से गोल कर लेंगे, और आप चाहें तो इसको चौकी बेलना पे पतला बेल सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं कैसे हाथ से कर रही हूँ पतला पतला। और जब हमारा छोटी सी अच्छी सी रोटियाँ तैयार हो जाएंगी तो इसमें हम जो दाल पीस के रखे थे वो दाल भर लेंगे, और इसी तरीके से सारे पिठा को हम बना लेंगे। इसको पिठा भी कहते हैं। इसी तरीके से हम बना के रख लेंगे एक प्लेट में, और हमारा पानी उबल गया है। और अब हम इसमें एक जाली वाला प्लेट लेंगे और ऑयल लगा देंगे अच्छी तरीके से, ताकि अच्छे से निकल जाए पीठा, इसमें चिपके ना। और एक एक करके इसमें हम सारे फरे रख देंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे रख रही हूँ। इसी तरीके से रख दें सारे फरे को, और पानी उबल चुका है उसमें हम इसको प्लेट को रख देंगे और ढक देंगे 15-20 मिनट के लिए। इसको होने में 15-20 मिनट लगते हैं। अब हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख सकते हैं हमारा परा एकदम तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए थैंक